ब्रॉनी तकिया बना के बैठी हुई है उस पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सब भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आजकल बहुत लाइट जा रही है, तो कुछ भी सारा दिन में शूट करने लगो या वीडियो बनाने लगो ना, तो लाइट ही नहीं होती और घर में अंधेरा होता है क्योंकि हमारा यूपीएस थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो मैंने कल बनाया था थोड़ा सा गाजर का हलवा, थोड़ी सी कैरेट सी मेरे पास पड़ी हुई थी तो उसी से ही मैंने बनाया है। और मतलब कि 1 किलो से भी कम थी, तो वो बस अभी मैं थोड़ा सा खाने लगी हूँ। और मैंने ये आज ना मैंने इसमें एग्स भी डाले हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने गाजर के हलवे में एग्स डाले थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। और मैंने अगेन वही स्टीविया में ही बनाया था और थोड़ा सा देसी घी डालकर, मीठा मैंने जो है ना चीनी नहीं डाली, मैंने इसको स्टीविया में बनाया है। और सर्दियाँ फिर चली जाएंगी तो मैंने कहा थोड़ा सा बना ही लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बनाती है क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी कैलोरीज होती हैं, लेकिन मीठे की क्रेविंग होती है तो इसलिए मैं फिर उसको स्टीविया के साथ बना लेती हूँ। और यकीन करें बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि आपने शुगर नहीं डाली है, स्टीविया डाला हुआ है, कोई फ़र्क नहीं होता। और बस मैं खा रही थी और यहाँ पर मेरे छोटे छोटे से बेबीज़ जो है ना वो आके मुझसे मांगने लग गए हैं कि हमें भी दो। तो इस तरह की चीज़ें कैट्स को वैसे भी मीठा और जो कोई मिठाई वगैरह भी आ जाए ना इनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इनको दे नहीं रही थी। और सारे देखें माशाल्लाह से कैसे मेरे से ना मांगे जा रहे हैं सब, छोटी मिनी को देखें कैसे मांग रही है। और आप सब सुनाएं कैसे हैं आप? आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अच्छा, मुझे ना कल एक कॉमेंट आया था किसी का कि आप जैनी को चिकन भी दिया करें। तो जी मैं आपको किसने कहा है कि मैं उसको चिकन नहीं देती हूँ? हाँ, उसके लिए रोटी ज़रूर बनती है, डॉग्स रोटी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन उसकी जो रोटी है वो उसको चिकन और उसकी यखनी के साथ हम लोग देते हैं, कभी कभी पंजे भी दे देते हैं। लेकिन आजकल तो ये है ना कि आपको पंजे भी जितना आधा किलो चिकन आता है उस हिसाब से मिलते हैं, तो इसे बेटर होता है कि चिकन ही खिलाओ। तो हम लोग यखनी में ही डाल के देते हैं उसको, रोटी ऐसे नहीं देते। वो तो अब जाहिर सी बात है उसको दिन में 3 टाइम उसको खाना देना होता है, बच्चों को खाना देना होता है, तो फिर हर चीज़ मैं अपने ब्लॉग में नहीं दिखा रही होती हूँ। लेकिन आप टेंशन ना लें, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है और वो बच्चों को फीड भी करवाती है, इस वजह से ना आजकल उसको भूख भी ज़्यादा लग रही है, काफ़ी ज़्यादा लग रही है उसको भूख। और कल जी मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, आप आई नो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे उसके लिए, आई एम सॉरी। कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि व्लॉग जो है स्किप ना हुआ करे, लेकिन कल हुआ ये कि मामा वगैरह आ गए थे तो फिर उसके बाद ना मुझे मैं वहाँ बिज़ी हो गई। और फिर जब व्लॉग डालने का टाइम आया तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने कहा इतना लेट नहीं डालती, अब फिर कल ही डालूँगी। और यहाँ मैंने ना अपने लिए डिनर में थोड़ा सा मैंने सूप बना लिया, तो अभी मैं खैर डिनर में मैं सूप ही पीऊँगी, लेकिन उसके बाद जो है ना सूप तो मैंने पी लिया था पहले ही बना के, लेकिन जब मम्मा आई थी तो मम्मा ने फिर आके हमें पराठे बना के दिए, तो मैंने जो सालन पहले बना के रखा हुआ था ना कुछ दिन दो दिन पहले मैंने बनाया था मिक्स वेजिटेबल्स का सालन चिकन के साथ, तो उसके मम्मा फिर मुझे और फुदैल को पराठे बना के देने लग गई, तो वो फिर मैं नहीं छोड़ सकती थी, फिर मैंने वो भी ये खाया। ये देखो पराठा पार्टी आई हुई है, बाकियों को नहीं पसंद, ब्रोनी को दिखाओ। बलोनी बलोनी आप पराठे नहीं खाती हो? सिर्फ अंडा खाती है, और ऊपर दिखाओ ये देखें जी, ये सारे खाना खा चुके हैं। और जब इनका बिस्किट लास्ट एंड हो चुका होता है ना, तो फिर मैं ये बकेट ही उठा लाता हूँ, फिर इसी में से निकाल के इनको दे देता हूँ। अब ये अजल साहिबा ऊपर बैठी हुई हैं और ये देखें लाइट होती ही नहीं है ना, आज भी सारे दिन के लिए ले गए हैं, कल भी ले गए थे,
और ये छोटी ब्रोनी ऐसे सो रही है। बात सुनो, छोटी ब्रोनी और बड़ी ब्रोनी का एक ही स्टाइल है सोने का, ऐसे ना ऊपर लेट जाती हैं, जो सो रहा होता है ना उसके ऊपर आके लेट जाती हैं, अगले बंदे को भी तकलीफ होती है। वो देखो ये ब्रोनी और मोनी, कुदरत का कमाल देखो, ब्रोनी और मोनी साथ बैठे हैं, और ये देखो मोनी ये मोनी बैठी है। ब्रोनी अंडा आ गया, ब्रोनी अंडा आ गया, और ये ब्रोनी, ये मोनी और ब्रोनी बैठे हैं बाहर देख रहे हैं, और ये दोनों सो रहे हैं। अच्छा इस छोटी ब्रोनी को फ्लोरा को कॉफी से बहुत प्यार है, और ब्रोनी को मोनी से बहुत प्यार है। चाचा क्यों उदास हो, आप भी विंडो पे बैठ जाओ, बाहर देख लिया करो, कभी कभी स्पैरोस को देख लिया करो, आ जाओ बैठ जाओ चाचा, बॉय आ जाओ चाचा। चाचा के वाइब्रेटर चल रहे हैं, खुश हो रही है, जब कैट्स को ऐसे प्यार करें तो खुश होती हैं। और ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं अगेन किचन में ही हूँ, क्योंकि हमारे जो है ना हाउसवाइफ जो होती हैं उनके काम तो ख़त्म होते ही नहीं है ना, तो मेरा तो दिन भी किचन से ही शुरू होता है और एंड भी किचन पे ही होता है। तो यहाँ पे जी मैं अपने किचन की जो है ना बर्तन वगैरह धो के रख रही थी और रोटियाँ बनाई हुई थी, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद वाला जो किचन क्लीनिंग होती है ना ये मैं वो कर रही हूँ, और बस सारी चीज़ें करके क्लीन करके मैं रख दूँगी। और आज फिर लाइट नहीं है और इसलिए आपको लाइट थोड़ी कम लग रही है, तो लाइट तो आजकल बहुत ही ज़्यादा जाने लग गई है, बहुत ज़्यादा आजकल लाइट जा रही है। और मैं ना यहाँ पर इमली भी भिगो कर रख रही थी, वो मैं क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है इमली की चटनी, और चटनी बनाकर मैं रख दूँगी, और थोड़ी सी मैंने आज यूज़ भी करनी है, वो किस चीज़ में यूज़ करनी है तो वो आपको आगे पता चलेगा कि मैं ये क्यों बना के रख रही हूँ। बस अभी तो खैर मैंने इमली का एक पैकेट लिया है और उसको पानी डाल कर ना तो मैंने उसको रख दिया है, ज़रा सॉफ्ट हो जाए ना, और साथ में ये मैंने अपना डिटॉक्स वाटर बना के रखा होता है तो वो मैं पीती रहती हूँ। सर्दी है तो सर्दी में मैं 4 लीटर्स पानी तो नहीं पी सकती, गर्मियों में मैं 4 लीटर्स पी लिया करती थी, लेकिन विंटर्स में बस मैं ना 3 लीटर मुश्किल से पी पाती हूँ, लेकिन पी लेती हूँ, 2.5-3 लीटर लाजमी मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं छत पर आ गई थी थोड़ी देर के लिए, और मुझे एक कमेंट बहुत आता है कि आप अपनी कैट्स को धूप में नहीं निकालती क्या, तो जी मैं निकालती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सारे दिन की रूटीन आपको नहीं दिखाती क्योंकि फिर व्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाए, तो अभी भी मैं आई हुई थी तो मैं एक दो बच्चे अपने साथ ले आती हूँ छत पर, सबको एक साथ नहीं ला सकती मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, और आज नूरी ऊपर आई हुई है। नूई अच्छा मेरे बेटा, नूई माशाल्लाह मिला बेटा, इतना खुश है। मेरा बेटा इतना खुश है छत पे आके, अच्छा हम उन कैट्स को बाहर लेके आते हैं जो एग्रेसिव नहीं है और जो भागती नहीं है। आपने हार्नेस के बगैर अपनी कैट को कभी भी बाहर नहीं लेके आना। हम इसलिए उनको लेके नहीं आते बाहर। मफू दरवाजा खोल रहा है कि मैंने अंदर जाना है। मफू ये आपकी मूंछ के साथ क्या लटका हुआ है, ये क्या लटका हुआ है,
ये बाहर साइकिल खड़ी है मुफ्फी के ऊपर बैठ के चला कहना ये बाहर साइकिल खड़ी है मुफ्फी के ऊपर बैठ के चला कहना दादा मफिन दोबारा से मफिन कह रहा है मेरी बस हो गई है मुझे घर लेके जाओ है मफू को अंदर छोड़ा और अब जैनी को बाहर निकाल ले खिला तो दिया वो चली गई जैनी ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं प्लांट खराब कर रहे हैं बड़ो बड़ो फ्री का माल उसको है। नीचे करके उसकी स्टेम्स को और उसके पत्तों पे चढ़ के खड़ी है फ्लोरा बहुत शरारती बच्चे हैं मिनी के ना फिर एक तो मैं जैसे ही व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ ना ये आके मेरा ट्राइपॉड गिराना शुरू कर देते हैं ये जो इमली मैंने सुबह भिगो कर रखी थी ये अब सॉफ्ट हो गई है तो इसको ना मैं इसके सीड्स अब अलग कर लेती हूँ और फिर इसकी चटनी बनने के लिए ना रख देती हूँ और मैं इमली की चटनी क्यों बना रही हूँ क्योंकि ना काफ़ी टाइम से ना मैं लेकर आई हुई थी घर में गोलगप्पे जो रेडीमेड गोलगप्पे होते हैं ना मतलब बस आपने लाना है और उसका मसाला भी साथ होता है पैक होता है ना जो बना फ्राई करे और गोलगप्पे बनाए वो वाला मैं लेकर आई हुई थी तो बहुत टाइम से मेरे ख्याल में 3-4 महीने से वो पड़ा हुआ था और मैंने गोलगप्पे नहीं बनाए थे ये वाला है मेरे पास दाशी का तो सोचा कि चले आज बना ही लेती हूँ गोलगप्पे और चने मेरे पास बॉइल पड़े थे तो मैंने इमली भी पड़ी हुई थी तो बस मैंने उनको ना फिर फ्राई करना स्टार्ट कर दिया उतनी देर में मामा और बिलाल भी ऊपर से आ गए मेरा भाई तो मैंने कहा चले जी आज गोलगप्पे ही खाते हैं शाम को तो बस वो बनाने लगी और मैंने इसीलिए साथ में चटनी भी बना ली थी ग्रीन चटनी भी बना ली थी खट्टा भी बनाया ये ब्राउनी तकिया बना के बैठी हुई है इस पे इसको खराब ना कर देना भाग गई बर्बाद ना कर देना ब्राउनी सारी चीजें खराब करती है ब्राउनी वाह ये क्या कर रही हो ऐसे रेडी पैसे गोलगप्पे मिले तो मैं कहता हूँ एक भी ना बचे अच्छा ये मसाला आधा डालूं पहले हाँ पता नहीं कितना होगा कैसा होगा नहीं मेरा तो मसाला डालेगा तेज तेज मसाला चेक करो जरा देखो चार मसाला ये मैंने आप बोला चार मसाला डाल कितना यम्मी लग रहा है खट्टा डालता हूँ आप डाल दें चलो दही डालो अच्छा ये ना दाशी के गोलगप्पे इतने छोटे थे साइज में फिलिंग करते हुए भी सब कुछ बाहर गिर रहा था तो वैसे तो बहुत मज़े के बने थे लेकिन थे बहुत ही छोटे और इतना ये कोई मेहनत वाला काम था मैंने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन गोलगप्पे भरना एक एक चीज़ अलग से बनाना ग्रीन चटनी मीठी चटनी तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है मज़ा बहुत आया लेकिन मेहनत बहुत है इसमें
बस ये तो आप बस जाएं और रेडी से ही खाएं, इतनी मेहनत घर में कौन करेगा। और बस जी अब यहाँ पे शाम की मैं चाय बना रही हूँ और चाय पियेंगे हम सब, तो काफ़ी थकी थी। और चाय पीने के बाद ना शाम की चाय जब मैं पीती हूँ उसके फ़ौरन बाद फिर मेरा व्लॉग का टाइम होता है, मैंने एडिट करके अपलोड करना होता है, तो बस अब मेरा एडिटिंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।